मेरे यहाँ पे भी सबसे ज्यादा 13,235 वेराइटी कहीं ज्यादा मिट्टी में समक्ष दी है। पिछली बार कुछ भी रहा हो मगर इस बार कोई भी कमी इसमें नहीं है। नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मी राठौर चैनल पे रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जिला अमरोहा पहुंचे हैं, एक प्रगतिशील किसान हमारे इनके पास पहुंचे आज हम, जो कि अमरोहा में एक गाँव पड़ता है सदरपुर। तो एक वेराइटी थी मोटरसाइकिल अपने आप रुकी हमारे यहाँ पे, 13,235 वेराइटी शानदार फुल फॉर्म में अच्छी खासी परफॉर्मेंस। तो ब्रेक लेना पड़ा और किस्मत इतनी अच्छी थी कि हम 12 में पानी पी रहे थे इनके यहाँ पे और किसान भी तुरंत यहाँ पे आ गए। तो पूरी प्रॉपर जानकारी किस तरह से व्यवस्था इन्होंने करी सारी आपको किसान के थ्रू आपसे कराते हैं। पहला परिचय कराते हैं किसान भाई का। नमस्कार भाई जी। नमस्कार, मेरा नाम चमन सिंह, गाँव सदरपुर, जिला अमरोहा। जिला अमरोहा से। तो भाई जी, ये बुआई कब की थी आपकी? हमारी बुआई है अक्टूबर लास्ट की। अक्टूबर लास्ट में आपने बोया है? और अक्टूबर लास्ट की बुआई थी आपकी। सह फसली में कुछ लिया था आपने? हमने सरसों ली थी। सरसों ली थी, तो ये कौन सी विधि लगा रखी? पहले तो मैं इस पर थोड़ा सा बात करूंगा। कुछ मतलब दो खुड़ बो के एक छोड़ा कैसे? दो खुड़ ना, डबल खुड़ की, यही हुआ 21 इंच पर दो खुड़। तो ट्रंचर विशेष था वो, कुछ बीच में 56 इंच गैप। ये कितना इंच है? ये 21 इंच। 21 इंच गैप है, दो खुड़ इन्होंने लिया। देखो किसान भाइयों, और ट्रेलिंग भी दोनों तरफ है, बहुत अच्छी बनी जिसे बोलते हैं। ये खुड़ हो गया और फिर बीच में 56 इंच इन्होंने जंगल छोड़ दी। फिलहाल घास वगैरह तो ज्यादा हो रहा पर गन्ना वगैरह कोई डिस्टर्ब इससे जरा सा भी है नहीं, सही बात है जी। और इसका मैं साइज वगैरह भी अगर आपको दिखाऊं, ये देखो साइज भी इसका अच्छा खासा बन रहा। और असोच का गन्ना ये हो गया। सिरसों काली थी ना इसमें? हाँ, तो वैसी थी पीली पीली सिरसों। कितना पोर्शन है आपके? कितना ये एक कड़ा है, करीब कितना निकल गया होगा इसमें? सिरसों तो कुंटल भी गई निकली हमारी, कुंटल भी गई। फिलहाल तो लगभग ऐसा खड़ा तैयार खड़ा जी, बधाई के नाम का। हालांकि आपने बंधवाया नहीं मुझे, बंधवाना है। तो बोते टाइम मतलब आपने जो बीज वगैरह की व्यवस्था कैसे करी थी? बीज तो पहले हमने सरसों बो दी थी, बात को गुल ट्रंचर गुल खर्च को। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बीज वगैरह जैसे कहाँ से लेके आए? बीज तो हमने पर के ले लिया था, पर के था हम पे। अच्छा अच्छा, पिछली बार तो थोड़ा बहुत महंगा महंगे लगाने पड़े था हम पे, तो 25 बीघे है। इस बार 25 बीघे है तो किसानों को काफी मिलेगा। कितना दे देंगे हम? असोज में कटेगा आपका? हाँ, कर दियो कटवा लो अक्टूबर में। अब देखो गन्ने की व्यवस्था बहुत ही शानदार बढ़वार चल रही है। और भाई जी सोच कर तो थोड़ा और लंबाई का ले रहा होता, थोड़ा लेट है शायद इस वजह से। सिरसों लेट बोई थी क्या? हाँ लेट बोई थी। हाँ तो थोड़ा लेट पकी, लास्ट का आ ना, बिल्कुल लास्ट का। अच्छा, फर्टिलाइजर किस तरह के करे आपने इससे इस्तेमाल बुआई के समय? बुआई के समय तो हमने 5 किलो यूरिया दिया बस, और उसमें सीरा साकी मिला के। अच्छा, इंसेक्टिसाइड के तौर पर आपने फंगीसाइड वो लगा दिया और कुछ ना गिरा? डाई वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं अभी तक ना दी डाई। और पत्ते पे कोई स्प्रे वगैरह तो दी होगी? नहीं करा अभी कोई स्प्रे ना। ऐसा कैसे कर रहे हो भाई? कोई स्प्रे नहीं करा अभी तक, ये तो तारीफ है। अरे एक यूरिया दिया सिर्फ, एक बस इस बार तो कैरेक्टरी कुछ अलग निकल के आ रहा है। ये चीज तो मेरे लिए बिल्कुल देखो नहीं हो रही है। अब आप देखो किसान भाई हो, आ जाओ थोड़ा अंदर को आ जाओ। ब्यांत भी अच्छा बन रहा, गन्ने भी फिट बो रहे। इस बार थोड़ा साइज ही बढ़ाया, वैरायटी ने अपने आपको रिकवर कर लिया। सबसे अच्छी वैरायटी में यही बात है, अपने हरज मरज बहुत ही जल्दी रिकवर करती है। कोई मर्जी ना, ठीक है। फिलहाल तो कोई इंटरनोड बोरर या फुटाव वगैरह की स्थिति या ब्लैक स्मिट वगैरह कोई भी चीज इसमें नहीं है। वैरायटी बहुत ही अच्छी चलेगी। और आज की तारीख में मेरे यहाँ पे भी सबसे ज्यादा 13,235 वैरायटी कहीं ज्यादा मिट्टी में समक्ष दी है। पिछली बार कुछ भी रहा हो मगर इस बार कोई भी कमी इसमें नहीं है। तो भाई जी, बीज वगैरह तो दोगे किसानों को? चलो, तो आपके नेड़े धोरे कहोगे। भाई के पास में 25 बीघे है, जिस भाई को चाहेगा अपना कॉन्टेक्ट वगैरह करियो। अब भी लग रहा है इसमें कुछ करना पड़ेगा आपने? नाम तो कुछ ना, बधाई भी नहीं करवा रहे ना, गिरेगा भी नहीं बीज के मारे ना चाह रहे पट्टी चढ़ा रखी बहुत। अच्छा, बंधेगा नहीं तो सूखेगा नहीं, ये बात पक्की। गन्ना जैसे मेड़े के अंदर आगे सूख आ गया जो भी ठीक है, पर लंबाई बहुत ज्यादा ले जा रही हो। लंबाई के मारे तो कुछ दे ही ना रहे, ज्यादा लंबा ना हो भाई। अच्छा 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 अच्छा, बंद का फिर बीज बढ़िया। वैसे एक बात तो है जी। अच्छा, जहाँ से बीज लेके आते वहाँ पे कैसी व्यवस्था थी पिछली बार? जैसे आपको देख के लगाओ बीज बहुत तकड़ा था उनका, तो बहुत बड़ा कोहरे में कुछ समस्या दिखी हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास।
तो जैसे लाने ले जाने में ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं? आंख वगैरह को तो कार में वहां से ले आए थे, मुजफ्फरनगर से कार में रखे। किसान भाइयों ये देखो आप कितना शानदार, बिल्कुल अच्छे दमखम लगाओ गन्ना खड़ा है। आशा है इस वर्ष ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन करे और किसान की आकांक्षाओं पर खरा उतरे। तो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। बाकी किसानों की सेवा करियो, भले तुमने थोड़ा महंगा साइकिल लिया हो, जितना हो सका कोशिश करियो, क्योंकि वैरायटी काफी पुरानी होली है। तो नाम तो सही रेट ही देंगे, सही रेट ही देंगे। तो ठीक है भाइयों, जिस वो भाई आसपास के यहाँ गए हो तो भाई जी संपर्क करिए और अपना बीज वगैरह सुनिश्चित कर लियो। नमस्कार।